पर्यावरणीय रसायन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। पर्यावरण प्रदूषण हमारे परिवेश में अवांछनीय परिवर्तन है जो पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। का परिणाम है वह पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करता है प्रदूषक कहलाता है। वायुमंडलीय प्रदूषण, वायुमंडल में जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है की मोटाई हर ऊंचाई पर समान नहीं होती। इसमें वायु की विभिन्न सुकेंद्र की परत अथवा क्षेत्र होते हैं तथा प्रत्येक परत का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। क्षोभ मंडलीय प्रदूषण, भूमंडलीय ताप वृद्धि एवं हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी है, हिंदी मीडियम प्योर एनसीईआरटी है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। हम जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हाइड्रोजन आयन के कारण वर्षा की जल की पीएच समानता 5.6 होती है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, ठीक है। ये शुष्क निक्षेपण, इस पर गिरा जलवाष्प, बादल, अम्ल वर्षा, अम्ल रहित, अम्लहीन, ये क्या है, जलीय जीवन खतरे में दिखाया गया है। वनस्पति भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? चूंकि जीवाश्म ईंधन को जलाने तथा वनों को काटने से वायुमंडल में हरित गृह गैसों की वृद्धि हो रही है तथा इसके सुचारू बुद्धिमानता एवं न्यायपूर्वक उपयोग के उपाय से हमें तलाशने होंगे जो भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने में सहायक हों। इसका एक साधारण उपाय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यातायात के व्यक्तिगत साधनों का कम प्रयोग, साइकिल को प्रोत्साहन देना तथा जनसाधारण के यातायात साधनों को काम से लेना अथवा कारपूल का प्रयोग आदि। अधिक पौधे लगाकर हरित आवरण को बढ़ाने का प्रयास हमें करना है। साइकिल को बढ़ावा देना है दोस्तों, आजकल शहरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है ना, बड़े शहरों के छोटे दिल वाले लोग ना बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन उनके दिल छोटे होते भाई। हमारा यूपी जो है, लोग तो छोटे होंगे लेकिन दिल बहुत बड़े होते हैं। हमारे यूपी में कहीं भी ठहर जाओ कोई चार्ज नहीं, लेकिन वहाँ एक दिन ठहरने के लिए कितना चार्ज पड़ता है।